लगातार अपराध और अपराधियों का सफाया किया जा रहा है। इसमें कई कुख्यात अपराधियों को जहां जेल की काली कोठरी में भेजा जा रहा है, वही गुनहगार ऐसे भी हैं जिन्हें पुलिस पर हमला करने के आरोप में उन्हें इनकाउंटर के मौत की नींद सुलाया जा रहा है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई, जिसमें कासगंज में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर जानलेवे हमले के बाद अब खबर आई है कि पुलिस ने इस हत्याकांड के एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है। हालांकि घटना का मुख्य आरोपी मोती धीमर अब पुलिस की गिरफ्तार में है। बता दें, वही जानकारी के मुताबिक सिंहपुरा थाना क्षेत्र के नागला धीमर के पास वाली काली नदी के किनारे ये मुठभेड़ हुई। इनकाउंटर में मारे गए शख्स की पहचान मोती धीमर के भाई इलकार के रूप में हुई है। तो आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल बात है 9 फरवरी की। इससे पहले एक खबर आई थी कि कासगंज के सिडपुरा क्षेत्र के गांव नागला धीमर में अवैध शराब का कारोबार बंद कराने गई पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला किया गया। इस वारदात के दौरान शराब माफियाओं से पहले सब इनका इंस्पेक्टर और सिपाही को बंधक बना लिया और फिर दोनों को गायब कर दिया। बाद में सब इंस्पेक्टर घायल अवस्था में खेत में मिले थे, जबकि सिपाही की लाश दूसरी जगह से बरामद हुई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि नांगला धीमर गांव में पुलिस को बड़े स्तर पर अवैध शराब का कारोबार चलाए जाने की खबर मिली थी। खबर मिलने पर पुलिस की टीम बीते मंगलवार को गांव में छापा मारने पहुंची थी, लेकिन इस बात की भनक शराब माफियाओं को पहले ही लग चुकी थी, जिसके बाद आरोपियों ने छापा मारने पहुंची पुलिस टीम को घेर लिया और सब इंस्पेक्टर अशोक और सिपाही देवेंद्र को बंधक बना लिया था। बाद में अशोक खेत में घायल मिले थे, जबकि देवेंद्र की दूसरी जगह पर लाश मिली थी। घटना के सामने आने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर एनएससी लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही देवेंद्र के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है और तो और आश्रित को सरकार नौकरी देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री कार्यकाल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। कानून व्यवस्था के संबंध में किसी भी प्रकार का समझौता न करते हुए संबंधित दोषियों के विरुद्ध अविलंब और सख्त कार्यवाही की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।